सो फ्रेंड्स, ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन बुआजी आई थी, मीन्स 25th of June। और ये दिन का टाइम है, मम्मी ने आंबी की चटनी बनाई थी, मीठी चटनी, तो बहुत ही टेस्टी मम्मी बनाती हैं ये। अगर आपको डिटेल में रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में रेसिपी दूंगी। फ़िलहाल मैं आपको रफली ऐसी दिखा रही हूँ, ये मम्मी ने आंबी कद्दूकस करी थी, ग्रेट करके ये आंबी मम्मी ने ली है। और उसके बाद जितनी हमें आंबी होती है उतनी ही इसमें हमें शुगर ऐड करनी होती है। और जब हम आंबी को कस के रखते हैं तो उसी टाइम हम इसे थोड़ी सी देर के लिए नमक डालकर छोड़ देते हैं, तो इसमें नमक बाद में ऐड नहीं होता है। और चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मेल्ट करना होता है उसमें। इसके बाद इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करने होते हैं, तो बेसिक मसालों में मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमें क्या ऐड करना है। फ़िलहाल यहाँ पर ये शुगर में अच्छी तरह से कोट करके थोड़ी सी शुगर मेल्ट होने तक का हम वेट करना है। सो देखिए, अभी थोड़ी सी शुगर मेल्ट हो गई है, तो इसमें हमें ये पिसी हुई सौंफ डालनी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालना है, थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, थोड़ा सा हमें इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालना है। और ध्यान रहे, नमक हमें इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि नमक हम स्टार्टिंग में इसमें डाल चुके हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ भुना हुआ जीरा पाउडर डालना है और थोड़ा सा हमें इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालना है। सो बस इसमें यही बेसिक मसाले डाले जाते हैं। अब इसको अच्छे से हमें चीनी मेल्ट होने तक पकाना है और बहुत ही टेस्टी ये लगती है चटनी बनके, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनती है। आप चाहें तो एक बार इसको एक ट्राई दे सकते हैं। इतनी अच्छी ये आंबी की मीठी चटनी बनके तैयार हुई है। कंसिस्टेंसी आपको इतनी ही रखनी है क्योंकि ये फ्रिज में जब आप रिस्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए, अभी कैमरे में इसका कलर कुछ चेंज आ रहा है, बट ये बहुत टेस्टी बनी है। और ये चटनी वगैरह बना करके हम आ गए थे सब ऊपर, और नित्या का मुझे बनाना था प्रोजेक्ट, तो मैंने दी की हेल्प ली थी, मैं दी को भी ऊपर ही ले आई थी। और अभी हम लोग इतने मज़े कर रहे थे इस टाइम, प्रोजेक्ट तो हमारा बना नहीं कुछ भी, पर हाँ हमने एक घंटा से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़े करे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। कुछ भी नहीं बना, सारा टाइम हमारा ऐसे ही हंसने में और मस्ती मजाक में गया है। पर हाँ, इस टाइम को भी हमने बहुत इन्जॉय किया है, पर हाँ फाइनली कुछ भी नहीं बना प्रोजेक्ट, तो वो मैं आगे बनाऊंगी। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है एक्चुअली कि हम तीन जनों ने मिलकर कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी। तो फाइनली ये सब करने के बाद, कुछ भी ना बनाने के बाद, सबको लगी थी छोटी छोटी सी भूख। और मैंने फिर अपना सबके लिए मैंने बनाया यहाँ पर ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही नॉर्मल वे में मैंने बनाया है, कुछ तामझाम नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि सबको इतनी थकान हो गई थी। तो इस टाइम पर सबने बोला कि थोड़ा सा कुछ सिंपल सा हमें कुछ खाना है, तो बेसिक सा ही मैंने बनाया है, नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं करा है। नॉर्मल बटर में मैंने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर और थोड़े से मसाले, थोड़ी सी सॉस वगैरह डाल करके और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ मैंने डाल के उसको ब्रेड पर लगाया है और सिंपल ग्रिल किया है। दैट्स इट।
तो अगर डिटेल में रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ देखिए ज़रा ये ब्लू लाइट में इतने आराम से सो रही हैं। 10 बज गए अभी तक सो रही है। दोनों बहन भाई बड़े आराम से सो रहे हैं। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट में आज बनाई थी बेड़मी आलू
बेडवी पूरी और आलू की सब्ज़ी जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबकी फरमाइश थी कुछ हैवी खाने का, क्योंकि पहले जो रात डिनर में हमने मतलब 25 की जो नाइट थी उसको डिनर में हमने कुछ ऐसी हल्का फुल्का सबने खा लिया था, क्योंकि ब्रेड पिज़्ज़ा खाने के बाद सबको ज़्यादा भूख नहीं थी, तो इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग सबको बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो थोड़ा सा हैवी चाहिए था, तो इसलिए हमने बेड में आलू पूरी बनाई थी। ब्रेकफास्ट लग चुका है, तो अब सभी बस ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। और ये चीकू ना अपने इस वाली बुआ की मतलब चिन्ना बुआ की बहुत ही ज़्यादा लाडली है, तो जितना मतलब दो दिन बुआ जी यहाँ रही हैं उतने दो दिन इसने मम्मा को तो पूछा ही नहीं, इसको सिर्फ बुआ चाहिए थी, तो बुआ से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है ये, बुआ से बहुत वीडियो कॉल भी करती है और बहुत ही फेवरेट बुआ है इसकी। वैसे तो इसकी बहुत सारी बुआ हैं पर एक्चुअली चीकू की सबसे फेवरेट यही वाली बुआ है। तो चलिए बच्चे लग रहे हैं अपने काम में और अब करते हैं नाश्ते की तैयारी, मतलब सबको सर्व करते हैं।
बार रहने के लिए और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, जब बाकी दोनों बच्चे भी होंगे और खूब सारा मजा आएगा। सी यू।